I wanted to introduce you to a concept that is the theoretical part of your communication, जो कि है आपका active listening, ठीक है? Now active listening क्या है और इसमें क्या effect होता है हमारी society का या हमारे communication का, इससे क्या effect पड़ता है active listening का, वो हम एक बार देख लेंगे, ठीक है? Now if you are looking at active listening, सबसे पहले तो ये जान लें कि active listening होता क्या है. So बेसिकली एक्टिव लिसनिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्टिव लिसनिंग एक लिसनिंग एक्टिविटी है, ठीक है? लिसनिंग एक्टिविटी के अलावा यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग समवन और लिसनिंग समथिंग एंड एक्टिवली लिसनिंग समवन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये हम एक बार डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है? यस. तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप लिसनिंग जब करते हैं, व्हेन यू लिसन टू समवन एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स दैट दे आर स्पीकिंग बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग एंड हाउ दे आर यूजिंग इट इन टू द सेंटेंस, ठीक है? किस तरह वो सेंटेंस में यूज कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है. एंड यही चीज एक्टिव लिसनिंग में डिफर करती है बाकी किसी लिखने टेक्निक से, ठीक है? जब भी आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग करने का मतलब ये है कि आपके सामने जो भी कुछ बोल रहा है या आपसे जो भी बात कर रहा है, वो जो वर्ड्स बोल रहा है, ना सिर्फ आप उन वर्ड्स को सुनेंगे बल्कि उनको समझने की क्षमता रखेंगे. दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग यू, जैसे मान लीजिए कि आप या आपका जूनियर, मान लीजिए आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं और आपके एक कलीग को मैनेजर ने एक काम बोला है करने के लिए. नाउ अगर उसने मना कर दिया, अगर मैनेजर एक्टिव लिसनिंग नहीं करेगा तो वो अपने माइंड में ही कुछ ना कुछ रीजंस निकाल लेगा कि हाँ इसे काम करने का मन नहीं है, काम चोर है, इसे ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है, या इससे हो नहीं पाएगा, इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है काम करने की. व्हाटएवर रीजंस ही इज थिंकिंग, first of all he is always thinking negative things if you say no for any of the work. second thing ho sakta hai ki wo egoistic way mein le ki usne manager ko kaise mana kar diya, kyun mana kar diya, usse kaam kar lena chahiye tha jo bhi main bol raha tha. now these things matter a lot, theek hai? now if the manager is doing active listening, what he or she will evaluate from no, aapke sirf na kehne se, instead of bringing the reasons to your own mind, ठीक है, अपने ही mind में अलग अलग तरह के reasons जो हैं, वो accept कर लेना या उन reasons को आप एक तरह से manipulate करना कि ये reason हो सकता है, ऐसा हो सकता है, assume करने से अच्छा आप उनसे पूछ लें. That means for active listening, you should be able to evaluate the sentences being said to you or the words that are said to you. यानी कि अगर एक मैनेजर जो है वो एक्टिव लिसनिंग अगर कर रहा है तो वो सब जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास जाके पूछेगा कि आप क्यों नहीं ये काम करना चाह रहे हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, नहीं टाइम है या आप कर नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा स्किल सेट है जो आपके पास नहीं है इस काम को करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड. एंड वंस ऑल दीज क्वेश्चन आर आंसर्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका जो कलीग है उसके पास टाइम एक्चुअल में नहीं है, उसने ऑलरेडी इस वीक दो मान लीजिए दो या तीन उसे सबमिट करने हैं, कोई ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो उसे ऑलरेडी सबमिट करना है और उसके पास सही में टाइम नहीं है, तो वो अगर मना करता है तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग, जब मैनेजर उससे वजह पूछता है और वो उस वजह का जवाब जानता है कि हाँ इस पर्सन के पास सच में टाइम नहीं है, then that is called active listening. यानी कि आपने खुद से assume नहीं किया कि वो क्या कहना चाह रहा था, you actually got to listen to the person by asking question why they have refused to do the work that you told him. ठीक है? Now आप किस तरह से active listening कर सकते हैं? आपको पहली बात तो professional world में जो भी काम बोला जा रहा है, then उसके पीछे बहुत सारे reason होते हैं. Sometimes what happens कि अगर कोई पर्सन सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि ऐसा रियलिटी में होगा, बट एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, ही इज ट्रेन्ड विद ऑल द डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड ऑल,
एंड ही इज डूइंग दैट फॉर लेट्स से 5 or 6 years, ठीक है, उसके पास 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज वेरी गुड एट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है. नाउ देयर इज अनदर पर्सन जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बहुत अच्छा है, ठीक है, ही इज नॉट द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब वो हेड नहीं है लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर काम करता है और उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है. वो रिक्रूटमेंट अच्छे से कर लेता है, वो अच्छे कैंडिडेट्स लेके आता है, अच्छे कैंडिडेट्स कट शॉर्ट कर लेता है रेज्यूमे से ही, उसके पास इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है. नाउ अगर कोई लीडर जो है, उनके ग्रुप का जो लीडर है, वो उनको साथ में मिलके कोई काम करने देख लो अभी क्लास. बच्चे किसका माइक ऑन है, बंद करिए, क्लास के बीच में ये सब नहीं करिए, बिहेव योर सेल्फ, ओके. ऑलराइट, सो एज आई वाज सेलिंग कि आपको यहाँ पर जो कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, वंस यू एक्चुअली लिसन टू द पीपल दे आर टॉकिंग, व्हाई दे आर टॉकिंग, यू नीड टू गेट टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है. आपको ग्राउंड लेवल पे जाकर उनका रीजनिंग सुनना होगा, समझना होगा कि आखिर अगर उन्होंने कोई काम किया है, आखिर अगर उन्होंने कोई बात कही है आपको, तो वो किस लिए की. तो एज द एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग यू, लेट्स से दीज टू पर्सन हु इज, वन इज गुड इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वन इज गुड इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. अब उस चीज को, ये दोनों ही बहुत ही अलग एस्पेक्ट हैं, ठीक है. अब उनके जो लीडर हैं, दोनों उनको साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है. मान लीजिए जो सीनियर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें एक रिक्रूटमेंट करवाना है और उस लेट्स से आपको एक ड्राइव करवाना है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट, एक बहुत ही बड़ा ड्राइव करवाना है जिसमें उनको कम से कम 100 या 150, 200 कैंडिडेट्स उनको हायर करने हैं एक ही बार में. नाउ व्हाट दे विल डू इज, डिजिटल मार्केटर्स का हेल्प तो चाहिए होगा क्योंकि आप जो भी वेबसाइट पे डालेंगे कि आपकी कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है, अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल के पास पहुंचेगा, ठीक है. तो आपने डिसाइड किया कि ये जो पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, उसको हम एक ह्यूमन रिसोर्स वाले पर्सन के साथ काम करने के लिए बोल देते हैं और दोनों कंबाइन करके एक जो है ड्राइव, जो है आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव, वो हैंडल करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है. अब उनको आपने फ्री छोड़ दिया कि आपको अगर अपने अंडर किसी को काम करवा है तो आप ले आ सकते हैं उस पर्सन को अपना हेल्प करने के लिए, जो भी, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग टू कंडक्ट, ठीक है. बहुत ही बड़ा इवेंट होता है रिक्रूटमेंट अगर इतना मास नंबर में हो रहा है तो. नाउ व्हाट चैलेंजेस यू विल फेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने उस पर्सन के साथ कभी काम नहीं किया है, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन है उसने एचआर वाले पर्सन के साथ कभी भी काम नहीं किया है. दोनों ही मार्केटिंग कर रहे हैं, दोनों ही मैनेजमेंट में है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है. दोनों ही एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में मिलते हैं या दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उस पर्सन को जानते नहीं है और उसके साथ आपको इतना बड़ा इवेंट कंडक्ट करवाना है, दैट इज अ ह्यूज चैलेंज. तो अगर आपके बीच का कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन टू द अदर पार्टी और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पार्टी, तो बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होने के कारण आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. काम बीच में रुकना नहीं चाहिए एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू बी क्लियर टू योर मोटिव. आपके जो मोटिव हैं वो आपको अपने अदर पार्टी को क्लियर करवाने ही करवाने हैं, वेदर दे आर वॉन्टिंग टू लिसन टू आर नॉट, यू शुड बी एबल टू बी अ बेटर स्पीकर. लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसे एक्टिव लिसनिंग करनी है. दैट मीन्स he or she has to listen to you what all things you are saying, kyunki recruitment ka kaam hai, recruitment aap bahut acche se karte hain, aapko experience hai, so whatever things you are including in that event upholding, wo obviously information zaruri hai, aap usse ignore nahi kar sakte just because wo alag kisi division se kaam kar rahe hain wo person. To jiske paas recruitment ka experience hai, usse information lene mein koi problem nahi honi chahiye. सेकेंड ऑफ ऑल, जिसके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, उसे किस तरह अपना जो रिक्रूटमेंट पोस्ट है अपडेट करना है, वो चीज आपको समझनी होगी. ह्यूमन रिसोर्स वाला जो पर्सन है उसे समझना होगा, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, उसे पता है कि कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट करना होता है,
तरह से वो अगर पोस्ट डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करेंगे फॉर द रिक्रूटमेंट, ठीक है, और कितना ज्यादा नंबर में ये जो रिक्रूटमेंट है ये बड़ा इवेंट और बड़ा किस तरह बेहतर बन सकता है, किस तरह क्लियर मैसेज रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा है, इसका क्लियर मैसेज किस पोस्ट के लिए हो रहा है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कैंडिडेट से, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कैंडिडेट से, क्या क्या प्रोविजंस दिए जाएंगे, ये सारा चीज क्लियर कट उनको बनाना है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना है ताकि कैंडिडेट को तुरंत से लगे कि हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हेन यू हैव टू वर्क टुगेदर, अब मान लीजिए कि यहाँ पर होता क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन है उसने अपने अंडर एक पर्सन को हायर कर लिया या फिर टेम्पररी पर्सन को अपने साथ काम करने के लिए इंक्लूड कर दिया, सो दैट पर्सन कैन हेल्प हिम इन द डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स वाला पर्सन है उसने कहा कि नहीं, मैं अकेला ही ये चीज हैंडल कर सकता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कैन बी पॉसिबल, बट सेकेंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना मास में इतना बड़ा रिक्रूटमेंट अगर ड्राइव करवाना है आपको तो यू नीड हेल्प फॉर पीपल, एंड अगर आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहे हैं या दूसरे लोगों से काम नहीं करवाना जानते हैं देन ऑब्वियसली यू आर नॉट फिट फॉर अ बीइंग अ मैनेजर, ठीक है, क्योंकि मैनेजर का काम ही ये होता है कि वो सबको लेके साथ में चले और काम अच्छे से हो जाए विद फास्टर एफिशिएंसी विद बेटर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये काम जब हो रहा है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बीच में बिकॉज टू डिपार्टमेंट्स आर कमिंग टूगेदर टू अपहोल्ड सम इवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इन द कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बहुत जगह ऐसा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता है। जैसे आपको याद होगा मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन आपको करवाया था अबाउट द ट्रीज दैट आर बीइंग कट इन साउथ दिल्ली, तो वहां पर भी सेम प्रॉब्लम हमें देखने मिली थी, कंक्लूजन में राइटर ने लिखा था क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करता है, मेनी ऑफ द अथॉरिटेटिव पीपल ब्लेम ईच अदर, ठीक है, जो अथॉरिटेटिव लोग हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, एंड द कस्टमर दैट आर द कंज्यूमर द कॉमन पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज दैट वेदर दे शुड कंप्लेन टू द स्टेट गवर्नमेंट और वेदर दे शुड कंप्लेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यही केस हो जाता है जब दो डिपार्टमेंट आपस में किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, इसी तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग बात तो कर ही रहे हैं, वो दूसरों से बात कर रहे हैं या आपसे कंप्लेन कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें हो ही रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन क्या नहीं चल रहा है, एक्टिव लिसनिंग नहीं चल रहा है। दैट मीन्स आप उनके पीछे का एजेंडा नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा बोल ही क्यों रहे हैं। अगर एक पर्सन ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, एक्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, क्या ये इस पार्टी ने जो उसने दूसरे पे इंजाम लगाया क्या इसने कोई काम नहीं किया, इसने भी तो काम किया ना। दैट मीन्स इफ दे आर वर्किंग दैट मीन्स दे आर अपहोल्डिंग द रिजल्ट, ठीक है, दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। तो ये होती है एक्टिव लिसनिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट ओनली टेकिंग द लुक और अंडरस्टैंडिंग द पार्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द सर्फेस, दैट मीन्स सेंटेंस में जो सर्फेस पे दिख रहा है आपने उसकी बजाय उसके इन डेप्थ नॉलेज गेन करने की कोशिश की कि उस सेंटेंस का क्या इन डेप्थ मीनिंग निकल के आ रहा है। नाउ देयर आर फोर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी लिसन। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखना है कि क्या रीजन होते हैं हमारे किसी को सुनने के, ठीक है, व्हाई डू वी डू लिसनिंग, ठीक है। नाउ फर्स्ट रीजन इज वी लिसन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जो आप क्लासेस अटेंड करते हैं, जो आप यूट्यूब चैनल पे जाके किसी टॉपिक को रिसर्च करते हो, तो वो सारा चीज क्या है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसे सुन रहे हो, ठीक है। द लिसनिंग दैट यू डू इन द क्लासरूम और ऑन द यूट्यूब चैनल दैट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट इज बिकॉज टू गेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ गेनिंग इंफॉर्मेशन और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। गेनिंग इंफॉर्मेशन आप हर जगह से करते हैं, कोई भी टीचर, जैसे कहा जाता है कि कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, ठीक है, खराब ना होने का रीजन ये है कि हम क्वालिफाइड अगर हैं, ठीक है, अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन है, अगर मैं एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से निकली हूँ, दैट मीन्स मेरे पास वो स्किल सेट है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में और बच्चों के अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में
डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उनको उनके लेवल तक आके नहीं समझाया, दैट मीन्स मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरी जो नॉलेज है, वो उन तक नहीं पहुंचेगी, वो समझ नहीं पाएंगे। तो बीइंग अ स्पीकर, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस मैसेज को जो मैंने पढ़ा है उसको सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, ये स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लिसनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रीडर की रीडर एंड लिसनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करें। मैंने जो मैसेज आपको भेजा है, ना सिर्फ उस मैसेज को आप गेन करके अपने पास रखें, बल्कि आप उसे समझे भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कम्युनिकेशन फेस्ट हमारा होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ठीक है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है, आपने बात सुन ली, सारे टीचर ने जब आपको बता दिया या आपको मैसेज जो गया, आपने वो मैसेज सुना, मैसेज पढ़ा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपको नेक्स्ट मंथ जो है कॉलेज में कम्युनिकेशन फेस्ट हो रहा है, लेकिन आपने क्या इस बात को समझा, दैट मीन्स वट इज द इम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस इवेंट ऑन योर एजुकेशन, ऑन योर दिस मंथ ऑफ जून, वॉट विल इट ब्रिंग टू यू। आपके लिए ये कम्युनिकेशन फेस्ट जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए कम्युनिकेशन फेस्ट क्या इफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ पर, ये जानना, इसको कहते हैं अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जितने भी इवेंट्स करवाए जाएंगे वो आपको कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए भी हेल्प करेगा, वो आपकी एबिलिटी सबके सामने दिखाने में हेल्प करेगा, हाउ एबल यू आर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, ये आपको हेल्प करेगा हाउ यू कैन शो योर स्किल सेट, ठीक है, आप अपनी स्किल सेट दिखाएंगे सबके सामने कि आप कितने अच्छे स्पीकर हैं, आप कितने अच्छे आप कितना अच्छा ड्रामा कर सकते हैं, आप कितना जल्दी सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में, दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग करना, इस मैसेज को आपने इनटेक करने के बाद कितना अंडरस्टैंड किया, कितना इवैल्यूएट किया, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की लिसनिंग की है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ मैसेज पढ़ के छोड़ दिया या आधा मैसेज पढ़ के छोड़ दिया, दैट मीन्स यू हैव ओनली ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन, आपने जो रीडिंग की या आपने जो लिसनिंग की, दैट वॉज ओनली फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द इन्फॉर्मेशन टिल यट। लेकिन अगर आपने समझ लिया पूरा मैसेज कि हाँ इवेंट्स होने वाले हैं, इस तरीके के इवेंट्स होंगे, एंड वी विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस एंड दैट, यू विल बी थिंकिंग, मतलब माइंड में वो चीजें आपके बैठ जाएंगी कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देन यू हैव डन द लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपने उस दौरान जो लिसनिंग की वो आपका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपने की। नाउ द थर्ड इज वी लिसन फॉर एंजॉयमेंट, मतलब हम एंजॉयमेंट के लिए सुनते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सेम एग्जाम्पल कि आपका कम्युनिकेशन फेस्ट जो हो रहा है उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ना भी करें, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जिन इवेंट्स को अपहोल्ड किया जा रहा है किसी दिन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो किसी और इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे। लेट्स से किसी ने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट किया। So essay writing is what you have to write, you will be given a topic and you will be writing the topic, ठीक है। लेकिन debate में क्या है कि आपको सुनना है वहां पर, अब आपने क्या देखा कि उस person का जो topic है वो बहुत ही interesting है, वो story के through बता रहा है, उसने बहुत सारे example डाले हैं, सुनने में बहुत मजा आ रहा है, that means you, मतलब आपने everyday life के example को उसने include करके क्या किया है, उसने बहुत ही अच्छा speech तैयार कर दिया है, या debate अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक अपनाया है, तो यू आर एंजॉयिंग दैट, ठीक है, आप इस एंजॉयमेंट के लिए उसे सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको सुन के आपको कोई हेल्प मिलेगा, या उसको सुन के बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस तरीके का यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट पर्पज यू विल बी लिसनिंग टू दैट पर्सन जो बोलेगा आपके सामने जाकर, ठीक है। जैसे आपका स्किट कंपटीशन होगा तो उसमें जो ड्रामा किया जाएगा, या फिर आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला कंपटीशन होगा उसमें जो ड्रामा होगा, वो सारी चीजें आप बैठ के देख सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट तो वो देखेंगे तो क्या होगा, वो आप एंजॉयमेंट के लिए लिसन कर रहे हैं, वो ड्रामा जो आप सुन रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द एंजॉयमेंट, दैट यू वॉन्ट टू एंजॉय ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु आर परफॉर्मिंग हियर इन द ग्रुप, ठीक है। लास्ट वन इज वी लिसन टू लर्न। Now, what is the difference between getting the information, understanding and learning?
लर्निंग कैसे डिफरेंट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग और गेनिंग इन्फॉर्मेशन से लर्निंग कैसे डिफरेंट हो सकता है? सी, लर्निंग कैसे डिफरेंट होता है, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया, उसको आपने समझ भी लिया, लेकिन आपकी लाइफ का कोई लेसन आपने सीखा उस चीज से? तो इसी एग्जाम्पल के साथ लेके अगर हम आगे बढ़ें, तो अगर मान लीजिए आपने स्पीच कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, आपने स्पीच डिलीवर की या आपने स्पीच सुना, सिर्फ मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, आपने बस किसी का स्पीच सुना, और आपने देखा कि उसने कुछ ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा सोल्यूशन दिया है किसी प्रॉब्लम का जो आपने कभी सुना भी नहीं था, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे कॉमन टॉपिक हैं, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत सारे स्पीचेस दिए जाते हैं, और इसी कॉमन टॉपिक पे किसी एक ऐसे स्टूडेंट ने एक अलग से सोल्यूशन बताया कि अगर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो हमारा जो है जेंडर गैप या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब होता यहाँ पर क्या है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर दिस सो ह्यूज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे आपको लगेगा कि हाँ आपने लर्न किया, आपने कुछ सीखा कि हाँ और अलग तरीके के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, विच विल बी हेल्पफुल इन आर सोसाइटी फॉर आर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस ह्यूज प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी, ठीक है? जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन की ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उसने इस छोटे से एग्जाम्पल से और एक छोटा सा सोल्यूशन बता के सॉल्व कर दिया। नाउ यू विल थिंक दैट वेदर, अब आपने वो लर्न कर लिया, आपने वो लाइफ का लेसन आपको दिया उस पर्सन ने, और आपने लर्न कर लिया और आपने इम्प्लीमेंट किया और आपने देखा कि यहाँ पर ये चीज जो है इफेक्टिव है। So what you will do, this is the difference between listening and active listening, ठीक है? ना सिर्फ आपने उस person की बात enjoyment के लिए सुनी, ना सिर्फ आपने उस person की बात information gain करने के लिए सुनी, बल्कि उसका सारा data collect करके समझ कर implement भी किया, और result खुद अपनी आंखों से देखा कि क्या वो बोल रहा था वो सच है या गलत है, ठीक है? That means you have thought on or you have gone into in depth of the message that he or she wanted to convey. जो वो person convey करना चाहता था message, उस message के in depth knowledge आपने gain कर ली है, उसे अच्छी तरह समझ लिया है, learn कर लिया है, और आपने try करके देखा। That means आपने obviously बात है, अगर आप try कर रहे हैं इसका मतलब आपने पूरा अच्छी तरह से समझा उसका message, तभी आप try कर पाओगे। So this is the difference between actually just listening to the message and understanding the message by active listening. Okay? Now, after that, let's take a look at how active listening works actually. If you want, you can write down the message, definition of active listening. मैं एक बार बस रिपीट कर रही हूँ, अगर छूट जाए तो दैट इज ऑल राइट, वी कैन आई कैन डिक्टेट इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? एक्टिव लिसनिंग जो होता है, इट इज बेसिकली द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू समवन, नॉट ओनली लिसनिंग टू द वर्ड्स, बट व्हाट एग्जैक्टली और व्हाट एग्जैक्ट इमोशंस आर अटैच्ड, व्हाट एग्जैक्ट मैसेज इज अटैच्ड विद द वर्ड्स बीइंग सेड बाय द स्पीकर, ठीक है? यानी कि सिर्फ आपको वर्ड्स नहीं सुनने हैं, उस कंप्लीट मैसेज को समझना है जो स्पीकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है? नाउ अब इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे सकते हो, ठीक है? अगर आपको एक्टिव लिसनिंग करना है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जो पर्सन आपके सामने बोल रहा है, ठीक है? आप बोर नहीं हो सकते हो, ठीक है? आपको खुद को ये चीज बताना होगा कि दिस पर्सन इज सेइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग एंड यू नीड टू टेक इंटरेस्ट इन ऑल द मैसेजेस दैट आर बीइंग सेंट टू यू, ठीक है? अब एक्टिव लिसनिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या टिप्स और क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप होता है फॉर यू टू पे अटेंशन, यानी कि आपको जो है बहुत ध्यान से उस पर्सन की बात सुननी है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के
आपको एक्नॉलेज करना है मैसेज। एक्नॉलेज करना मतलब क्या, कि आपने ये चीज बोला कि हाँ हम ये सुन रहे हैं, आपने ये चीज एक्नॉलेज की, वो जो पर्सन सुन रहा है, ऐसा नहीं कि आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने एक्नॉलेज किया उसके मैसेज को, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उसका जो नॉन वर्बल मैसेज है, दैट मीन्स द इमोशन दैट इज बीन कन्वेड बाय हिज एक्सप्रेशन, हिज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड हिज बॉडी पोस्चर, वो सारी चीजें आपने इवैल्यूएट की। ये सारी चीजें कब इवैल्यूएट की जा सकती हैं, जब आप पूरी तरह उस पर ध्यान देकर सुन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब क्या मतलब होता है अटेंशन रखने का स्पीकर पर, एग्जैक्टली किस तरह हम पूरी कॉन्सेंट्रेशन से उसको सुन सकते हैं। व्हाट यू मीन बाय पेइंग अटेंशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक डायरेक्टली एट द स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है उसको आपको डायरेक्टली देखना है, आपका ध्यान कहीं और इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसी वजह से आपको स्पीकर को ही देखना है। सेकेंड ऑफ ऑल, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्टिंग थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, यानी कि अगर एक पर्सन ने कुछ बोल दिया, जैसे आजकल बहुत सारे वर्ड्स का डबल मीनिंग वर्ड सब कोई निकालने लगता है, तो मैंने कुछ ऐसा क्लास में कहा समझाने के नजरिए से और उसका कोई डबल मीनिंग वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट, एक्नॉलेजिंग दैट थॉट, वो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट जो आपके माइंड में आया उसको एक्नॉलेज करने की बजाय उसको इग्नोर करना ज्यादा जरूरी है। नॉट इग्नोरिंग द थिंग्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, नॉट इग्नोरिंग द थिंग्स दैट द स्पीकर इज सेइंग, उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उस डिस्ट्रैक्टिंग थॉट को इग्नोर करना है जो आपके माइंड में उस वर्ड को सुनकर या उस सेंटेंस को सुनकर आया है। अंडरस्टूड? थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज, डोंट मेंटली प्रिपेयर अ रिब्यूटल। मेंटली प्रिपेयर करने का मतलब है, या रिब्यूटल प्रिपेयर करने का मतलब है कि आपको उसका, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो पता नहीं आपके क्लास में तो अभी तक नहीं हुआ है, बट स्टिल देर आर स्टूडेंट्स जहां पर अगर मैं पढ़ा रही होती हूँ तो जैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ तो कुछ भी मैं बोलती हूँ तो उनका जवाब कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स एवरी पर्सन हैज टू स्पीक समथिंग व्हेन यू आर, व्हेन समबडी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे मैंने मान लीजिए किसी स्टूडेंट से पूछा कि तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे, तो उधर से साइड से किसी बच्चे ने बोला कि मैम ध्यान नहीं दे रहा था, ये क्योंकि किसी और ख्याल में खोया हुआ था। ये क्या है, ये रिब्यूटल है, मतलब आपसे सवाल नहीं किया गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब या तो अपने दिमाग में खोज रहे हैं या आप उस जवाब को तुरंत बोल दे रहे हैं किसी के सामने। ये आपका एक्टिव लिसनिंग नहीं करने देगा आपको, ठीक है। ये चीज आपका एक्टिव लिसनिंग के लिए खराब है, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू डू एक्टिव लिसनिंग, यू हैव टू इग्नोर दैट इम्पल्स इनसाइड यू टू कमेंट ऑन ईच एंड एवरी thing that your friend is doing or each and everything that the teacher is saying, ठीक है। हर कोई चीज अगर कुछ भी बोल रहा है, give me a moment, okay? Yes, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे टीचर समझाते टाइम, जैसे आप लोग तो मार्केटिंग के ही स्टूडेंट्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो टीचर है वो कुछ प्रोडक्ट के नाम बता देते हैं, जैसे लिपस्टिक का एग्जांपल बताया उन्होंने, ठीक है, कि कोई मेकअप कंपनी है, उन्होंने किस तरह अपना स्टार्टअप किया, ये चीज आपको समझाई जा रही है क्लास में। अब होता क्या है कि लिपस्टिक सुनते ही कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां होती हैं, उनके दिमाग में कलर डिफरेंट आने लगते हैं, कुछ लड़के हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों अलग अलग दिमाग, उनके अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं क्लास में। सो दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम एक्टिव लिसनिंग। आपकी टीचर जो समझाना चाह रही है, मैसेज क्या भेजना चाह रही है, वो मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि आप किस तरह स्टार्टअप उस पर्सन ने किया, उस कॉस्मेटिक कंपनी का स्टार्ट किस तरह हुआ, उसने अपना स्टार्टअप किस तरह एस्टैब्लिश किया, उसने उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन। इंस्टेड ऑफ दैट, आपने लिस्टिक का नाम सुनते ही क्या क्या दिमाग में आपके नेगेटिव थॉट्स आने लगे, कुछ मेंटल रिब्यूट आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि हम ऐसा बोल सकते थे जब मैम ये बोल रही थी, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है आपको एक्टिव लिसनिंग ना करने के लिए, ठीक है। ये आपका मैसेज डिस्टॉर्ट कर देती है, ठीक है। इसी वजह से यही रीजन होता है कि आपको कई बार क्लास में कोई मेथड समझाया जाता है,
और आप जब आंसर खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको आधी बात याद आती है जो टीचर ने बताई, और आधी बात आप अपने मन से लिख के आ जाते हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि आधा टाइम आपका दिमाग कुछ और रिब्यूटल कमेंट्स प्रिपेयर कर रहा था, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आ रहे थे माइंड में, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे थे। बीइंग एन एक्टिव लिसनिंग या फिर एक्टिव लिसनर, आपने उसे इग्नोर नहीं किया जो जरूरी था आपको करना, आपने उन थॉट्स को पकड़ के रखा, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, वो एक थॉट थ्रेड प्रिपेयर हो गया, एक थॉट से दूसरे थॉट तक जंप हो रहा है, और यहाँ पर टीचर जो बोल रहे हैं वो आपने ध्यान से नहीं सुना, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो मैसेज गया इधर से स्पीकर के तरफ से वो आधा ही आपको समझ में आया। अंडरस्टूड? सो दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर सराउंडिंग, फ्रॉम योर स्पीकर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज अवॉइड बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैंने वही चीज बताया, वो जैसे मैंने एक स्टूडेंट बात कर रहा है कोई, ठीक है, या आपके फ्रेंड ने, वही मैंने लिपस्टिक का एग्जांपल दिया आपको मार्केटिंग के लिए, एंड बगल वाले किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे तुझे पता है मैंने कल रेड वाला लिपस्टिक खरीदा, तो ये चीज क्या है, ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसको आपको अवॉइड करना है, ना कि उसमें इंगल्ज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ 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 ठीक है तुमने खरीदा ना, मुझे दिखाना, ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, साइड कॉन्वर्सेशन, ये साइड कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होते हैं आपके क्लासेस के लिए, या कभी भी आप एक्टिव लिसनिंग करना चाहते हो उनके लिए। जब आप कोई मैसेज देख रहे हो, जैसे मान लो आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और उसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो मैसेज आपको, ठीक है, और मान लीजिए आपके फेवरेट एक्टर हैं, उनका कोई मूवी का बड़ा अच्छा वाला सीन चल रहा है, और उस दौरान कोई आपको बार बार टोके तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर स्टडिंग आल्सो। व्हेन द टीचर इज टीचिंग और उस दौरान आप साइड टॉक करते हैं या कमेंट पास करते हैं या कुछ डिस्ट्रैक्टिव थॉट माइंड में लेके आते हैं, तो वो मैसेज जो जाना चाहिए था वो पहली बात तो स्पीकर के लिए बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है, स्पीकर के लिए बहुत ही डिस्करेजिंग होता है, हमें पढ़ाने में दिक्कत होती है उन स्टूडेंट्स का चेहरा देखकर जिनको देख के पता चलता है कि उनका दिमाग कहीं और है, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। एनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इज ड्राइविंग ऑन, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है स्पेशली इन पाटलिपुत्रा ब्रांच, देर वॉज वन डे वेन बस थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, बहुत तेज से हवा चली थी, आप लोग को शायद याद भी हो, बस उस हवा के साउंड से स्टूडेंट्स क्लास में इतने डिस्टर्ब हो गए कि वो 5 मिनट पढ़ाई छोड़ के खिड़की के बाहर देखते हैं। अब इसमें डिस्ट्रैक्शन की क्या बात है, हवा चलती है बच्चे, कभी भी चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि हवा रुक जाएगी कहीं पर, राइट? तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन जो आपके लाइफ में आते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इस एरिया में हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कहीं पर हो रहा होगा, तो कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो वो सारी चीजें अवॉइड करना सीखिए, उन साउंड को इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि आप अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो नुकसान उस पर्सन का नहीं होगा जो वो नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, नुकसान आपका होगा, बिकॉज आप इम्पोर्टेंट मैसेज छूट जाएगा आपका जो यहाँ पर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज लिसन टू द स्पीकर बॉडी लैंग्वेज, दैट मीन्स कि आपको उसका बॉडी लैंग्वेज सुनना है। अब सुनने से इसका क्या मतलब है कि आपको उसका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इवेल्युएट करना है। जैसे मान लीजिए अगर स्पीकर जो है वो बहुत ही सीरियस मैटर पे डिस्कशन कर रहा है, लेकिन बार बार उसको हंसी आ जा रही है, जैसे आप लोग को मेजरली आती है, कोई स्पीच तैयार करने के लिए बोलते हैं, आप लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड वहां पर हंस देते हैं, आप भी हंस देते हैं, सो दिस इज वॉट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, एंड इट कन्वेज अ मैसेज। ये एक मैसेज कन्वे करता है लिसनर को कि आप इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर आके बोलने में, ठीक है। फर्स्ट मैसेज दैट इट क्रिएट्स इन द लिसनर्स माइंड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सेकेंड थिंग इज आप खुद इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप खुद इस मैटर को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो लिसनर्स हैं वो इस मैटर को सीरियसली ले या इस मैटर से कुछ वर्क करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर
फीमेल फीटस किलिंग के बारे में यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं। अब यहाँ पर इतना सीरियस मुद्दा है, लेकिन वहीं आपके दोस्त ने आपको कुछ चिढ़ा दिया और आपकी हंसी नहीं रुक रही है, यहाँ पर स्टेज पे भी आके आप हंसने लगे। सो दिस क्रिएट्स अ वेरी लाइक इट इज नॉट अ परफेक्ट काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ इमोशन एंड बॉडी लैंग्वेज दैट यू वॉन्ट टू कन्वे विद योर मैसेज। और यही मैसेज अगर आप बहुत सीरियस फेस के साथ, बहुत सैड फेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिसनर्स को भी लगेगा कि कितना बुरा हुआ उन बच्चों के साथ, कितना सीरियस इश्यू है, इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स दे आर कनेक्टिंग ऑन एन इमोशनल लेवल टू योर इमोशंस व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, अंडरस्टूड। तो आप अगर यहाँ पर आके अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या इमोशन सही वे में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस भी उतनी ही डिस्ट्रैक्टेड रहेगी जितना आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अंडरस्टूड। तो यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर एंड के लिए आपको जरूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके रखें। नाउ लिसनर एंड के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए एक पर्सन जो है वो बहुत ही अपने लाइफ का बहुत ही सैड स्टोरी बता रहा है। जैसे मुनीबा जी का अगर आपने देखा होगा टेडेक्स का उनका टॉक जो है, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई फिजिकल एंड मेंटल स्टेज पर और उन्होंने उसके बारे में टॉक किया था। ठीक है, तो उस शो को अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा मुनीबा के बारे में, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है आप उनके बॉडी लैंग्वेज को जज करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते वक्त रो रही थी या बहुत ही सैड फेस बना रही थी, वो सैडनेस जो थी वो उनकी वॉइस में सुनाई दे रही थी कि कितनी तकलीफ उनको हो रही थी जब वो हॉस्पिटल में थे और रोज रोज आके डॉक्टर उनको बता रहे हैं कि आप चल नहीं पाएंगे, आप पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, आप मदर नहीं बन पाएंगे, इस तरह का। एवरी डे द डॉक्टर वॉज कमिंग एंड गिविंग हर बैड न्यूज एवरी डे बाई डे, एंड दैट क्रशिंग फीलिंग दैट शी हैड लिसनिंग टू ऑल दोज थिंग दैट वॉज नॉट शोन ऑन द फेस, दैट वॉज हर्ड फ्रॉम हर वॉइस, वो होता है बॉडी लैंग्वेज। एंड वेन शी वॉज टॉकिंग अबाउट द हैप्पी इवेंट, फॉर एग्जाम्पल वेन शी टुक द सेल्फी विद द चाइल्ड हु वॉज शॉट इन द टेरिस अटैक, वेन शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर सन, उस टाइम जो हैप्पी इवेंट उन्होंने शो किया कि हैप्पीनेस भी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हैप्पीनेस लाइफ में पॉसिबल है, इस पॉसिबिलिटी को उन्होंने एक बड़े से स्माइल के साथ प्रेजेंट किया। तो वो स्माइल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्माइल एक होप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वहां बैठी हर एक ऑडियंस को दे रहा है। वो होप जो है मुनीबा हर एक ऑडियंस को ये बताना चाह रही है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, देयर इज स्टिल अ होप दैट यू विल गेट द हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ दैट टनल विच यू वॉन्ट टू फाइंड। ठीक है, जिस टनल में आपको डार्कनेस दिख रहा है वहां पर हर किसी को लाइट दिखती है और वो लाइट आपकी लाइफ में भी आएगी। सो दिस मैसेज वॉज क्रिएटेड इन अ वेरी इमोशनल वे, बट दैट इमोशन वॉज नॉट शोन इन हर फेस, शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग वेन शी वॉज कन्वेइंग द मैसेज, शी वॉज हैविंग अ ह्यूज स्माइल ऑन हर फेस वेन शी वॉज सेइंग द हैप्पी मोमेंट्स, वेन शी वॉज क्रिएटिंग द हैप्पी मोमेंट्स इन हर लाइफ। एंड इवन आफ्टर ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, द ओनली इमोशन दैट वॉज कन्वेड, सैडनेस दैट वॉज कन्वेड, but that was only by the voice, वो उनके सिर्फ और सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन में पता चल रहा है कि कितनी दुखी थी वो, कितनी परेशान थी, कितना डिप्रेस्ड वो हो गई थी आफ्टर लिसनिंग टू दीज हैपनिंग, आफ्टर लिसनिंग टू दीज थिंग्स फ्रॉम द डॉक्टर। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज जज करना एक एक्टिव लिसनर का काम है कि आप वो सारी परेशानियां जो वो डिस्कस कर रही हैं वो कितना सीरियस है उनके लिए, वो आपको उनके इमोशन को सुन के ही पता चलेगा। उनकी वॉइस को पहचानिए कि when he or she is conveying happiness, when he or she is conveying sadness, when he or she is conveying angry, sorry, aggression, when he or she is basically in such a depressed state that they thought that they would not be able to overcome that position. तो वो सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, वो उनके वॉइस से, वो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलती हैं, दैट हाउ दे आर एड्रेसिंग द ऑडियंस, व्हाट वे दे आर सिटिंग, व्हाट वे दे आर स्टैंडिंग, व्हाट वे दे आर प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज,
हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, हाउ दे आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, ये सारी चीजें आप वहां पर एक्टिव लिसनिंग में जज करते हैं. एंड यू नीड टू डू दैट बिकॉज इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट आर बीइंग कन्वेड बाय द स्पीकर, यू नीड टू इवैल्यूएट ऑल दोस थिंग्स. तो ये पे अटेंशन वाला जो पहला पॉइंट है आपका दैट यू नीड टू डू, उसके अंडर ये पांच पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. डोंट वरी, आई विल सेंड अ पीडीएफ फॉर दैट एंड नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट भी कर दूंगी आफ्टर दो स्टूडेंट जिनका बचा हुआ है प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद मैं आपको डिक्टेट भी करवा दूंगी बाकी चीजें, ठीक है. सो नो नीड टू वरी दैट यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स, वो बाद में हो जाएगा आपका, ठीक है. सो लेट मी रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू टुडे. पहला आपका एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग आपका एक्टिविटी है वेयर यू नॉट ओनली लिसन टू द स्पीकर, द वर्ड्स दैट आर बीइंग सेड बाय द स्पीकर, बट ऑल्सो द मैसेज इज दैट इज कन्वेड बाय द स्पीकर. मतलब सिर्फ आप वर्ड नहीं, उनका मैसेज जो है, वर्ड के पीछे का जो मैसेज है वो भी आप समझते हैं, ठीक है. एक्टिव लिसनिंग में आपको क्या क्या नहीं करना है? एक्टिव लिसनिंग में आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है. आपको जो भी डिस्टर्बिंग चीजें आपके आसपास है उनको इग्नोर करना है, ठीक है. एंड हाउ यू कैन डू एक्टिव लिसनिंग इज फर्स्ट स्टेप दैट इज टू पे अटेंशन. Now, how exactly are you going to pay attention? First of all, look directly at the speaker. आपको speaker को directly देखना है. आप अगर दीवार देख रहे हैं तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि speaker क्या convey करना चाहता है, ठीक है. आपको speaker को देखना है जब वो बात कर रहा है सामने से. आपको distracting thoughts, second point is आपको distracting thoughts अपने दिमाग से हटा देने हैं. किसी भी तरह का comment या किसी भी तरह का thought अगर दिमाग में आ रहा है जो उस चीज से रिलेटेड नहीं है जो आपको पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उसको इग्नोर करना है. मेंटली प्रिपेयर नहीं करना है किसी भी तरह का रिब्यूट, ठीक है, सॉरी रिब्यूटल. किसी भी तरह का रिब्यूटल आपको मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम उस पर्सन के सामने कॉन्वर्सेशन में होते तो उस बात का ये जवाब देते, उस बात का ऐसे जवाब देते, ये प्रिपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स. आपके आसपास होने वाले जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग इवेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन सभी को आप इग्नोर करिए. जैसे इसका मैं और एक एग्जांपल दे सकती हूँ. जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग सब अपने घर पे हैं, घर पे बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप मम्मी बोल देती है कि बच्चे ये वाला सामान लेके आ जाओ मार्केट से, थोड़ा नीचे वाली दुकान से ये सामान लेके आ जाओ, या मम्मी कुछ काम कर रही हैं, पापा न्यूज देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. पढ़ नहीं पाते हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हो, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना सीखना होगा. वेल यू आर अटेंडिंग द क्लास और वाइल यू आर रीडिंग योर सेल्फ और वाइल यू आर स्टडिंग योर सेल्फ, ये सारी चीजें आपको इग्नोर भी करनी है. और जितना हो सके ट्राई करिए कि उन नॉइज को अपने एरिया में जहां पर आप पढ़ रहे हैं उस एरिया से दूर रखिए, ठीक है. लास्ट थिंग इज लिसन टू द स्पीकर बॉडी लैंग्वेज. जो स्पीकर है उसके बॉडी लैंग्वेज को जज करना बहुत जरूरी है, ठीक है. अगर वो पर्सन किस इमोशन के साथ कन्वे करना चाहता है अपना मैसेज, ये जानने के लिए आपको उसका बॉडी लैंग्वेज जज करना ही पड़ेगा. वो किस तरह से खड़ा है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे नर्वस होते हैं, ठीक है, तो वो नर्वसनेस उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, ठीक है. बहुत लंबे होने के बावजूद आपका बॉडी जो है नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा बिकॉज आप डिफेंसिव पोज पे चले जाते हैं. आप हाथ पीछे रखते हैं, आगे नहीं रखते हैं, ठीक है, ऐसे रोक कर रखते हैं, इस तरह बांध कर रखते हैं, या फिर पॉकेट में डाल लेते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह ऐसे ऐसे करके टच कर रहे हैं बॉडी पार्ट को, या फिर आप बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपका नर्वस टिक्स होती हैं, ये सारी चीजें डिपिक्ट करती हैं कि आप नर्वस हैं यहाँ पर आकर, ठीक है. लेकिन एक बात करने का जो तरीका होता है, जैसे अभी मेरे समझाने का जो तरीका है, तो मेरा हैंड मूवमेंट हो रहा है, मेरा बॉडी पोस्चर स्टेबल भले नहीं है लेकिन
जिस तरीके का मेरा बॉडी पोस्चर है ये आपको बता रहा है कि मैं कितना कंफर्टेबल हूँ आपसे ये डिस्कशन करने में, आपके साथ ये कम्युनिकेट करने में, मुझे नर्वसनेस फील नहीं हो रहा है व्हाइल आई एम कम्युनिकेटिंग माय मैसेज, ठीक है, मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ ये मेरे वॉइस से, ये मेरे बॉडी पोस्चर से आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको लर्न करना होगा थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर स्पीकर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर एक्टिव लर्निंग। ठीक है ना, अभी तक जो पढ़ाया है उसमें किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। अभी तक जो भी पढ़ाया नहीं है? चलिए, तो इफ देर इज नो डाउट तो लेट्स एंड दिस सेशन हियर एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन आफ्टर द प्रेजेंटेशन। ओके। ओके।